हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए फिर से एक और आइसक्रीम चैलेंज लेके। आइसक्रीम चैलेंज ली क्योंकि समर आ गया है और लास्ट टाइम अनंतिया गई थी वो फ्रोजन शॉप लॉजिक्स में, जहाँ पे उसने यमी यमी कैंडीज की आइसक्रीम खाई थी और हमने किया था देसी सा आइसक्रीम टेस्ट। तो इस वीडियो में बताएंगे कि हमारी रेगुलर आइसक्रीम हम कौन सी खाते हैं एज अ फैमिली। सबसे पहले आप बताओगी? तो बेसिकली बास्किन रॉबिन्स की मेरे को स्प्लिश स्प्लैश और बबल गम बहुत अच्छी लगती है, बट अगर मेरे को उसके अलावा कुछ चूज करना है तो वो है मैकडॉनल्ड्स की सारी आइसक्रीम्स हैं। तो चलो सकते हैं आइसक्रीम खाने। मैकफ्लरी, एक ब्राउनी संडे और एक सॉफ्ट सर्व लूंगी। बोर्ड में दिख रहा है। अभी आप क्या कुछ लोगी इसमें? अभी तो मैं इसको दिलाऊंगी ना, अपनी फेवरेट में बाद में बताऊंगी। तो बताओ क्या क्या ऑर्डर किया आपने? तो मैंने पहले ऑर्डर किया सॉफ्ट चॉकलेट सॉफ्ट सर्व, जो बेसिकली बस नॉर्मल वनीला और सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम है जिसके ऊपर से एक चॉकलेट का लेयर है, चोको बार की तरह है। ये जो क्रंची बाहर की चॉकलेट की लेयर होती है ना, इट्स द बेस्ट थिंग एवर। आप दो ना। नेक्स्ट है ये ब्राउनी सॉफ्ट सर्व और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हॉट हॉट ब्राउनी फज और इसके साथ मजा ही आ जाता है। ये ज्ञानीज में एक वो नहीं आती आइसक्रीम संडे, उसका जैसे है वो थोड़ी ज्यादा गर्म। मम्मा आपने मेरी पूरी आइसक्रीम खा ली? यार क्योंकि गर्मी है और ये पिघल रही है, मेरी चटनी वेस्ट हो, इसीलिए मैंने खा ली। इसका जो चॉकलेट सॉस है ना वो बहुत अच्छा है। तो लेट मी ट्राई दिस। मुझे ये थोड़ी थोड़ी नरुलास की जो हॉट चॉकलेट फच है उसकी याद दिला रही है। नहीं बट उसमें ब्राउनी नहीं होती है। हाँ उसमें ब्राउनी नहीं होती, लेकिन उसमें जो चॉकलेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और आइसक्रीम और नट्स होते हैं। मुझे नट्स पसंद है, अनंतिया को नट्स नहीं पसंद है और अनंतिया पिघल रही है। ब्रेन फ्रीज, आप लोगों को भी होता होगा ब्रेन फ्रीज, जब आइसक्रीम खाके आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है। तो अब हम लोग खाएंगे मैकफ्लरी। अब ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट, ये ऐसा जो ऐसे क्रंच आते हैं ना और फिर वनीला के साथ ओयो का टेस्ट बहुत ही मजा आता है। मुझे लग रहा है वनीला आइसक्रीम या सॉफ्ट कोन में इन्होंने ओरियो बिस्किट को तोड़ के डाल दिया और एक नई आइसक्रीम बना दिया इन जैसे बच्चों के लिए। तो आई थिंक अनंतिया की तो यमी समर ट्रीट हो गई, मजा आया आपको? अब अनंतिया की तो यमी समर ट्रीट हो गई, अनंतिया को जाना है ट्यूशन क्लासेस के लिए, तो अनंतिया को भेजूंगी मैं घर और अब मैं अंकुर से पूछूंगी कि उसकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। 8:01 PM ये अंकुर बिरयानी। क्या बात है, बड़ी जल्दी बन गई। हाँ बड़ी खिली खिली बनी है। बनी भी सही है। वो जो अंकुर मैंने अगारो का इलेक्ट्रिक कुकर नहीं ऑर्डर किया है उसमें बनाई है, उसमें एक तो बहुत जल्दी बन रही है और एकदम खिली खिली बन रही है। खा लो फिर आइसक्रीम खाने भी जाना है ना, और तुम मुझे अपनी फेवरेट प्लेस ले जाओगे। और क्या क्या आया उसके साथ में? इसमें है ये 5 layers ऑफ सेरेमिक कोटेड इनर पॉट, इसमें मेन कुकिंग होती है। साथ में इसमें ये स्टीम ट्रे आई है, राइस स्पून आया है, सूप स्पून आया है और ये मेजरिंग कप भी है। अरे इसमें खिले खिले चावल तो बना ही सकते हैं, साथ में इसमें सब्जियों को भी स्टीम कर सकते हैं और इसमें हम सूप भी बना सकते हैं गर्मा गर्म। और इसमें क्या है कि ज्यादा चीजें भी बन सकती है क्योंकि इसकी 5 liter की कैपेसिटी आती है और इसमें कम से कम मैं 10 cup चावल बना सकती हूँ जब मेहमान आए। ये इसका आउटर लिड है और इसको तो बिल्कुल टच मत करना जब चावल बन रहे हो क्योंकि इससे स्टीम निकलती है। चावलों को धो के इसमें डाल देना है और ये 1 touch ऑटोमेटिक कुकिंग है। जैसे ये लाइट का लेड इंडिकेटर चलेगा वैसे ही कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही चावल बनेंगे अपने आप बंद हो जाएगा। हैंडल भी इसका कूल टच वाला है और जैसे हमारे चावलों में एक्सेस स्टीम निकलती है ना वो सारी यहाँ कलेक्ट हो जाती है जिसे मैं बाद में निकाल के फेंक सकती हूँ। और हाँ ये हमेशा खाने को गर्म रखता है इस कीप वार्म फंक्शन के साथ।
ये तो तुम्हें पता ही है ये इलेक्ट्रॉनिक कुकर है, तो उसकी जो ये कॉर्ड भी है 1.2 मीटर लॉन्ग है, तो किचन में आराम से इधर उधर कर सकती हूँ उसे। तो यहाँ पे अंकुर ने तो बिरयानी का मजा ले लिया है, अब चलते हैं हम अपने आइसक्रीम चैलेंज में। तो ये इसके बाद चाहिए कुछ स्वीट डिश, तो अंकुर को ले जाते हैं और देखते हैं अंकुर की आइसक्रीम में क्या फेवरेट है। A few moments later. मुझे लगा था अंकुर हमें अनंतिया की तरह ही कोई मॉल ले जाएगा या मजेदार आइसक्रीम पार्लर में ले जाएगा। तो अंकुर बताओ तुम हमें कहाँ लाए हो? मैं तुम्हें खिलाऊँ आज देसी आइसक्रीम, मैं हूँ झांसी का, तो मुझे ना सब देसी पन अच्छा लगता है, तो मैं इनको खिलाऊँ आज एक ऐसी देसी आइसक्रीम तो खाना सभी पसंद करते हैं। तो चले इतना क्या सस्पेंस बना बता रहे हो, नाम बताओ क्या खिलाओगे खाओगे? तो नाम क्या मैं दिखाई देता हूँ आपको, कहाँ? यही यही पर, ये सामने। मैंने गेस कर लिया, कुल्फी फलूदा। मुझे तो पता ही नहीं था। 50% मैंने सही गेस किया, तो हम खाने वाले हैं यहाँ पे कुल्फी फलूदा। एक दिन मैंने दो प्लेट मंगाई है, और तुम अपना अलग खाना मैं अपना अलग खाऊंगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। तो ये हमारे भैया बैठते हैं एवरग्रीन ब्रह्मपुत्र मार्केट के बाहर, और ये बनाएंगे। कितने बजे तक बैठते हो भैया? सुबह 11 बजे से 11:30-12 बजे। तो अब भैया इसमें डाल रहे हैं कुल्फी, ये मलाई कुल्फी है इलायची बादाम केसर के साथ। अब इसमें डलेगा ठंडा ठंडा फलूदा। क्या सिरप है ये? दूअब्जा और मीठा केसर सिरप। मैं अपने लिए अकेला। बहुत तेज हो रहा है। यम्मी। और ऐसे लग रहा है मैं अंकुर के साथ आई हूँ फलूदा डेट पे। यार जब हम शादी से पहले चांदनी चौक शॉपिंग के लिए जाते थे तो वहाँ की स्पेशल फलूदा खाते थे। हाँ, और जो ये ब्रह्मपुत्र मार्केट है जब हम स्कूल डेज में थे काफी फेमस होता था, तो हम इवनिंग्स को यहाँ पे आते थे, और ये बहुत ही फेमस जॉइंट हुआ करता था नोएडा का बीपी मार्केट। जो नोएडा में रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस मार्केट को। मेरे हाथ से भी खा लो। हाय हाय, इतना सुकून। अब ज्यादा मीठा हो गया होगा ना? नहीं हुआ। तू नारी नहीं पिशाचिनी है। समर का हमारा आइसक्रीम चैलेंज, जहाँ अंकुर और अनंत्या ने अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, और अगर आपको भी इलेक्ट्रिक कुकर लेना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाय।